सर आप भी ये नंबर आए हैं तुम्हारे 9848 67, ये मोबाइल नंबर ज्यादा और मार्क्स कम लगते हैं। सर इकोनॉमिक्स में तो 36% तो होंगे ही। लेक्चरर के मुंह पे एसिड फेंकने की धमकी दोगे और चीटिंग करोगे तो मिलेंगे ही। अरे नहीं पापा, वो एसिड नहीं था, पानी था, मिनरल वाटर। ये थर्ड ईयर है हीरो का, 18 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। कॉलेज में आए इतने साल हो गए लेकिन पढ़ाई अब तक शुरू नहीं की, किताब ही नहीं खुली। अगर ऐसे चार बच्चे और आ जाएं तो कॉलेज बंद करके नौटंकी शुरू करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ सर, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए इसे एक चांस और दे दीजिए सर। मैंने चांस देने के लिए नहीं बुलाया, टीसी देने के लिए बुलाया है। यस सर, दे दीजिए। मेरा क्या, दे दीजिए, अभी दे दीजिए। ओ मिस्टर, बिना लिए ही चले गए। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, ये भिखारियों की तरह भीख मांगना बंद करो। गेट आउट, यू आर रस्टिकेटेड, आउट। हाय पांडू। हाय निम्मी, बोलो ना कैसी हो। तुम्हारा पति यहीं पर है या दुबई चला गया? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब क्या बताऊं, दो बिना सींग के बैल यहाँ बैठे हुए थे और जैसे ही वो दोनों चले गए मैं हाजिर। तुमने मेरे बर्थडे पर फ्लैट दूंगा कहा था ना? अब मैंने ऑफिस को बिना बताए ही 5 मेडिकल सीट बेची हैं, उसके 1 करोड़ मिले हैं, 10 बिन में पड़े हैं। अरे वाह, तो मुझे मेरा फ्लैट मिल जाएगा? बिल्कुल, कल से माय होम अपार्टमेंट में 420 नंबर का फ्लैट तुम्हारा। थैंक यू पांडू। जान शाम को ग्रीन पार्क होटल में मिलो ना, वहाँ दोनों मून पर बैठकर एक दूसरे को चटपटी हनी चटाएंगे। पांडू और मेरा फ्लैट? रुको, बहुत लंबी लाइन लगी है, तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आएगा डार्लिंग। पांडू मर गए क्या? मरे मेरे दुश्मन, आओ ना पप्पी दे दो ना, पता नहीं कौन आया। फिर कैसे अंदर घुस आया? ऑफिस से टीसी कलेक्ट करो और जाओ। अरे अरे व्हाट इज दिस? अरे मेरे डैड हर्ट हो गए पांडू। पांडू 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 क्या है, मैं तेरा दोस्त हूँ। पांडू रंगा राव प्रिंसिपल, इज्जत दो। अच्छा चलिए बता, माय होम अपार्टमेंट में फ्लैट का रेट क्या चल रहा है? माय होम अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट से मुझे क्या, मेरे पास अपना घर है। तो ये तुम्हारा सेकंड होम है क्या? अरे तुझे इससे क्या, चेहरे से तो बंदर लगता है तू। और तेरे पीछे औरतों की लाइन है, एक घर पर, एक ग्रीन पार्क में और एक टेबल के नीचे। ए, ए, कौन है तू? इन सबको खुश करने के लिए चोरी से सीट बेचकर पैसे डस्टबिन में छुपा था। बाबू अपना हाथ देना बेटा, मुझे क्या चाहिए बाबू? मेरे डैड के चेहरे पर खुशी चाहता हूँ, बुलाऊ? मुझे फिर यहाँ क्यों बुलाया है? बताने के लिए कि आपका बेटा सोना है सर, मार्क्स को गोली मारिए। बिहेवियर, बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। आप लकी हैं कि आपको पितृभक्त बेटा मिला है, असली गोल्ड को गोल्ड मेडल की क्या जरूरत, भंगार में भी कोई नहीं खरीदता। बस करो, ये कॉलेज में रहेगा या नहीं? मैं कॉलेज में रहना चाहता हूँ सर, इसीलिए तो इतनी चापलूसी कर रहा हूँ। हैं? मैं आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। इसके कॉलेज में रहने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। ओ, तू तो मेरा बाप निकला। कॉलेज टॉपर। उसके लिए पढ़ाई के साथ कॉलेज अटेंड करना भी जरूरी है। अगर तुम मेरे कॉलेज में होती ना तो बाकी सब भूल जाओ, मैं कॉलेज में ही घर बना लेता। रेस्टोरेंट? कम। ए, सूप। Fish. Mm.
फिल्म देखनी। फिल्म? चलो। अरे आउट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं मिल्कशेक पीना? हाँ क्यों नहीं। यू नो एक्चुअली हे कम कम। फिल्म अच्छी थी ना? एक्चुअली फिल्म इतनी बुरी नहीं थी। चलो। तुमने ठीक से खाया ना? दिस इज फॉर यू एंड टू मिनट्स। I love you. क्या रे तू मेरे को मारना चाहता है? नहीं तो? तो तू काले एंथनी को क्यों मिलने गया था? मैं उस उल्ले के पट्टे से क्यों मिलने जाऊंगा भाई? जानता ये क्या है? जादू का कैप्सूल। ये तेरे स्कूटर की डिक्की में था। इससे सब मालूम पड़ता है कि तू कहां कहां गया था। तो तू कल रात 11 बजे काले एंथनी के घर पर गया था। फिर वहां से तुम लोग उर्वशी बार गए थे। क्यों? ये कैप्सूल सब कुछ बताता है। मुझे तेरी जबान पे नहीं इस पे ज्यादा भरोसा है। क्या हुआ? अरे तुम्हारे ऑपरेशन में भी खून निकलता और मेरे ऑपरेशन में भी। बैठ जाओ। अरे बैठो मैडम। अच्छा हॉस्पिटल में उस लड़की का इलाज तुमने ही किया था ना? अभी उस लड़की का किसी होटल में या किसी घर के अंदर वो हाँ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? नो नॉट पॉसिबल सर। पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। रेगुलरली उसका एमआरआई भी करवाना जरूरी है। बस इस शहर में ऐसे कितने केस हैं? 10 या 15 केसेस होंगे सर। बस इतना ही? मतलब उस लड़की को ढूंढा जा सकता है। जाओ रे बाकी सब हॉस्पिटल में चेक करो। अब क्या करोगी? चलो मैं वजीर चलूंगी। अच्छी चाल है। चेक एंड मेट। अच्छी चाल दी। तुम बहुत चालाक हो। ए, मैं सब समझती हूँ। अगर कुछ कहना है तो मुंह पर कहो। भेजा मत खाओ, कॉफी बनाओ। मुझे नौकर समझ के रखा है क्या? कॉफी चाहिए, जाकर खुद बना लो। राम, इस घर के लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं ना? तुम समझी नहीं। जब भी ये कुछ कहती है ना मुझे गुस्सा नहीं आता। क्यों? बचपन में हम वृंदावन गए थे तो यमुना की सीढ़ियों पर इतनी छोटी सी कपड़े में लिपटी रो रही थी। मैंने इसे देखा और मैंने कहा मुझे अपने लिए यही बहन चाहिए। मैंने जिद पकड़ ली। चाचा जी ने इस फूल सी बच्ची को उठाया और बेटी बनाकर घर ले आए। वो लड़की यही है। तुमने ये बात उसे बताई? ऐसी बात भी कोई किसी को बताता है शर्मिला? राम यू सो ग्रेट। पर तुमने देखा ना आज मेरी कोई कदर नहीं है। कोई बात नहीं। काम आज मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। मेरी अनाथ बहन के फ्रेंड्स हैं। संडे है ना, सबके सब लुखी हैं। अच्छी तो दिखती हैं। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने उन्हें मुड़कर एक बार देखा भी नहीं? अगर मैं उन्हें देखता तो वो मुड़कर मुझे देखती। इस क्यूट फेस पर मर मिटती। फिर SMS, MMS, लव लेटर, सुसाइड, क्या जरूरत है? पुराना एक्सपीरियंस है डियर, बहुत झेला है। ऐसा क्या? इतनी लड़कियों ने तुम्हें प्रपोज किया है? और क्या? कुछ भी। ओके सॉरी। पहली बार तुम्हें किसने प्रपोज किया था? बताओ ना मुझे प्लीज। पहली थी सरिता। ए ये तूने क्या लिखा है? मैं तेरी टीचर हूँ ना? मान जा ये टीचर, प्लीज टीचर। रोमांस की हद थी। दूसरी मालविका। तुम जा रही हो? हाँ वेकेशन के लिए मैं दादी माँ के यहाँ जा रही हूँ। एक हफ्ते में लौट आऊंगी। मैं इतना वेट नहीं कर सकता। सॉरी राम। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा काम करना होगा। उषा से बात करवाओगी? There was too much violence. Violence? देखो तुम भी डर गई ना भैया। सुनो ना भैया, मेरी फ्रेंड्स आई हैं। वो तुम्हारी हरकतें नहीं जानती। नई फ्रेंड्स हैं, पुरानी दोस्तों से तुम्हारी वजह से मेरा झगड़ा हो गया और सुकन्या के दोस्तों ने तो एरिया ही छोड़ दिया।
मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे कमरे में मत आना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैया। उठो उठो निकलो, उधर मत आना। हाँ बोला ना, जाओ। राम उसे बुलाओ। क्यों? बुलाओ रम्या जोर से। रम्या क्या है? यहाँ क्या हुआ? पूछो कि तुमने इसके और सुकन्या के दोस्तों का क्या बिगाड़ा है। अरे क्या हुआ बोलो। तुम्हारे दोस्तों और सुकन्या के दोस्तों क्या? जोर से। तुम्हारे दोस्तों और सुकन्या के दोस्तों का मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझसे पूछ रहे हो सुकन्या? इसे बताओ कि इसने हमारे दोस्तों का क्या बिगाड़ा है। हमसे पूछ रहा है? ए तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? कौन क्या हो रहा है? आवाज कर रहे थे? क्यों बेचारे पे जुल्म कर रहे हो? ये बेचारा नहीं है पापा, इसने मुझे नायडू अंकल की बेटी से मिलवाने के लिए कहा था। पर मैं... चुप कर, मैंने ऐसा कब कहा था? ए तू चुप कर, मैंने नहीं मिलवाया। तो ये उससे मिलकर मेरे बारे में कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मैं आपको यमुना की सीढ़ियों पर मिली थी, माँ बाप होते हुए भी ये मुझे अनाथ बना रहा है। अरे तुझे मालूम नहीं इसके पैदा होते ही मुझे कितनी बड़ी पनौती लगी थी, पूरे 2,00,000 रुपए लगे थे तब जाके ये पैदा हुई थी। भगवान आपने बस मेहनत करी। ऐसा नहीं है चाचा, मेरी कहानी को ये कुछ और ही समझ रही है। झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। ए तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस बेचारे को तंग क्यों कर रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से, इतना अच्छा लड़का है, चलो जाओ। इज्जत का फालूदा करने के बाद अब अच्छा लड़का कह रही है? शर्मिला राम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे?